दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चित्रा मिकवर। कैसे हैं आप सब? मैं आपके साथ अपनी कुछ जनरल नॉलेज टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको वो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज मैं आपके साथ, जैसे जनरल आजकल हर किसी के में प्रॉब्लम होती है, स्किन में रैशेज हो जाते हैं, और जैसे लेडीज़ हैं उनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, आजकल पॉल्यूशन के कारण लोगों के सबके झुर्रियाँ या रिंकल्स पड़ जाते हैं, है ना। आजकल कम एज होने के बावजूद ये प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो उसी के लिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो पे बने रहें, और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, आज मैं एक बाउल है, ऐसा खाली बाउल लेना है जिसमें ये बाउल है, और ये ऐसा तिलक पाउडर है। देखिए इस तरीके से रहता है, ये ड्राई रहता है, तो इसे हम इतनी सी मात्रा में लेंगे और इसमें डाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने थोड़ी सी मात्रा में इसमें ले लिया है इसे, और इसमें हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाएंगे, समथिंग इतना। ठीक है, इसे डालेंगे और इसे हम डालकर मिक्स करेंगे, और इसमें हम खूब कुछ बूंदे रोज वाटर उसकी ऐड करेंगे। इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, और ये है ऐसा विटामिन कैप्सूल, ये विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, इस तरीके का कैप्सूल रहता है। एक कैप्सूल हम ऐसा इसे कटिंग कर लेंगे, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, देखिएगा ये ऐसा डलेगा। ये हम पूरा एक इसमें डाल देंगे, और फिर हम इसे ब्रश की हेल्प से मिक्स कर लेंगे, ये पूरा मिक्स हो जाए। ये जैसे हमारी ठंड में स्किन भी टैन और डबल शेडेड स्किन हो जाती है ना, तो ये मुंह में पीलिंग बोल सकते हैं हम। और जैसे हमारे स्किन के पोर्स, ऊपर पोर्स हो जाते हैं, ऊपर लिफ्ट पोर्स, उसके लिए पैक बहुत अच्छा है। देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा, आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आएगा। और उसके बाद आप इससे जहाँ भी आपकी स्किन डिटैन है, हाथ में है, फेस पे है, या कहीं भी है, ये इस तरीके का पैक तैयार होगा। जैसे अगर आपकी स्किन में रुखा हो जाता है, या डेड स्किन आ जाते हैं, या ब्लैकहेड्स हो जाते हैं, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज़ हो, ये दोनों के लिए ये पैक इफेक्टिव है। इसे आपको इस तरीके से फेस पे लगाना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चन में लगा के बता रही हूँ। इस तरीके से लगाना है, देखिए इस तरीके से मैंने लगाया है, इस तरीके से आपको लगाना है, और इसे हल्के हाथ से ऐसे इस तरीके से रब करना है, तो
जैसे ठंड में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और उसमें डेड सेल्स आ जाते हैं, तो ये उसके लिए इफेक्टिव है। अगर आप बॉयज़ हैं तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी स्किन में भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप गर्ल्स हैं, आप 30-40 प्लस हैं, अगर आप 18 हैं, तो ये सबके लिए इफेक्टिव है और ये स्किन को स्मूथ करेगा, क्योंकि इसमें पील ऑफ मास्क भी है एंड जेल भी है एंड विटामिन ई भी है एंड गुलाब जल की मात्रा भी है। तो इस तरीके से इसे हमें हल्के हाथों से रब करते रहना है। इससे क्या होगा, आपकी जो डेड स्किन है और जो रूखापन है और जो रूखा ठंड में ड्राइनेस आ जाती है ना, उस स्किन को ये क्लियर कर देगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट ऐसे ही रखना है। अगर आपकी स्किन में पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, तो ये उसे भी भरेगा और इसका कोई नुकसान नहीं होता। आप इसे वीकली 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन में रिंकल्स आ गए हैं अगर, तो ये उसके लिए भी इफेक्टिव है। और इसका इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें हर्बल प्रोडक्ट है। जो पील ऑफ मास्क है वो भी हर्बल है और जो हमने जेल यूज़ किया है वो भी एलोवेरा जेल है, और गुलाब जेल वैसे भी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस तरीके से इसे करते रहिएगा। देखिए, आपसे बात करते करते मैंने इसे रब भी किया। अब मैं इसे आप देखिए, और उसके बाद हमें इसे गीले कपड़े से साफ कर देना है, पोंछ देना है। और इसके बाद आप फेस को वॉश कर सकते हैं। अब आप इधर की स्किन देखिए डिफरेंट, और इधर की स्किन जो अभी मैंने वॉश नहीं किया है, वॉश करने के बाद आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। से मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया। अब इधर देखिएगा आप, डिफरेंट दिख रहा है आपको, जिधर मैंने यूज़ नहीं किया और जिधर यूज़ किया उधर देखिए। तो अगर आपके वीक में 2 से 3 बार घर पे खुद के अपने फेस पे, चाहे आप बॉयज़ हो चाहे आप गर्ल्स हो, आपकी एज 18 प्लस हो या आप 40 प्लस हो, ये सब के लिए इफ़ेक्टिव है और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो प्लीज़ एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।